आर्टिस्ट इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू मार्केट देमसेल्व्स बेटर. तो आपने जैसे कहा कि अगर प्रोजेक्ट को ओवरथिंक करो तो यू नो द प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ नेवर सीज द लाइट ऑफ द डे. तो आप यू नो व्हाट हैव सॉर्ट ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट मार्केटिंग और यू नो कोई आपके मेंटर्स रहे हो इसमें जिसमें यू नो यू लुक्ड अप टू देम ग्लोबली और इंडिया में. And Bollywood, of course, itself is such a great university. It's like a campus, I always say. You can learn from pretty much everybody there. So, any sort of skills that you think you've learned or any mentors that you have? Yeah, Rekto, I think you it's very important for you to be honest with your work. पहली तो चीज़ वहीं शुरू हो जाती है. मतलब अगर आपका अगर तड़का ही ख़राब है तो सब्जी अच्छी नहीं होनी है. तड़का अच्छा होना चाहिए एंड वो स्किल पॉलिश करने से आता है, सीख सीख के आता है. एंड देन उसके बाद फिर प्लेटिंग आती है, कैसे परोसना उसको. वो सब्जेक्टिव है. सम पीपल कुछ लोग हर महीने गाना रिलीज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग हर 6 महीने में गाना रिलीज़ करते हैं. मेरे में टैलेंट ही साल के 3-4 गानों का है तो फिर मैं वैसे चलता हूँ. बट जब मैं करता हूँ आई मेक श्योर लाइक आई पुट इट आउट विथ यू नो लाइक इट्स माई लास्ट सॉन्ग एंड माई फर्स्ट सॉन्ग. तो एवरी सॉन्ग आई ट्रीटेड लाइक दैट. मतलब मैं ये सोच के चलता हूँ कि हो सकता है लास्ट गाना और या फिर ये मेरा पहला गाना है. मतलब वो हमेशा रहता है. सो एवरी टाइम आई मेक अ वीडियो, मेक एन ऑडियो, आई प्रमोट इट, आई पुट इट आउट, आई प्रेजेंट इट, और मैं कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डाल देता हूँ कि भाई बहुत बड़ा गाना आ रहा है. इट्स अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग. यू जस्ट टेल देम इट्स सोशल मीडिया. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज द प्लेस. और तो एंड जो मेरी ऑडियंस है सोशल मीडिया पे है मुझे लगता था अंटिल आई मेट बहुत बड़े बड़े लोगों से और बच्चों को भी मिला. तो बट द की इज कि यू हैव टू सीड इन अ फ्यू थॉट्स कि भाई ये ऑलरेडी हिट गाना है जो आ रहा है. बट वो फिर आप धीरे धीरे सीखते हो ना. एंड देन दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द कन्विक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ वर्क दैट यू क्रिएटेड इन द पास्ट. So, you know, today we also find that everybody who is a musician, an artist, they're also influencers. We see globally when we look at, they stand for different causes. Climate change ho sakta hai. Aap of course entrepreneurship mein bahut kaam kar rahe hain. So, do you also, as an influencer, believe in certain causes that you also endorse? I do. Aur kuch I am very public about, but kuch main bahut apne tak likhta hun. I think. Philanthropy is one of them. Wo old school thought hai ki neki kar daliya mein dal. But then I realized, you know, sometimes you have to let people know to inspire them ki this is also something that you can do with the name that you have, the brand that you have, the wealth that you have. But other than that, har bande ke na kuch usool hote hain. Har banda kuch usoolon se bana hota hai. To wo usool chahte na chahte aa jaate hain. And when यू आर अ पब्लिक फिगर वो दिख जाता है. लाइक आई स्टैंड फॉर, मेरे को बच्चों से बहुत प्यार है. लाइक इट्स चाहे चाइल्ड एजुकेशन हो या एनी थिंग टू डू विद एजुकेशन एंड चिल्ड्रन, आई एम रहता हूँ मैं. लाइक आई एम विद देम बिकॉज आई बिलीव इन एजुकेशन. That's a great cause and I think we have such a young population in India. That fact that you stand for this cause is absolutely such a big deal. So प्रोजेक्ट्स बहुत हैं. आई दिस फूड बिजनेस, आई वांट दिस बैड बॉय पिज्जा. आई वांट डू पिज्जा बिकॉज आई रियली लव पिज्जा. 2014 या 2015 की बात है. देयर वाज दिस वन पिज्जा गाय हु केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक पाजी ये पिज्जा ट्राई करो. इट वाज इन चंडीगढ़. आई लाइक पिज्जा तो बहुत सही है. लाइक पाजी कुछ करते हैं मिलके. मैंने कहा हाँ कुछ करते हैं करते. कुछ हुआ नहीं. आई डोंट नो, पता नहीं, आई ओवरलुक्ड इट या कुछ. दैट वाज लापिनोस बाय द वे. टुडे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन्स. एंड सो लाइक आई वांट टू डू पिज्जा. सो दिस पिज्जा, आई ऑल्सो हैव अ बियर, लाइक दिस बियर कंपनी दैट आई को ओन है. इधर चुटपुट बट पिज्जा एंड पिज्जा इज समथिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. आउटसाइड फूड आप क्या करना चाहते हो? आराम. I want to do aram. Someday I want to build hospitals and libraries.